हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मुझे बहुत खुशी है कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था सिनॉप्सिस वाला, आप लोगों ने बहुत ज़िम्मेदारी से देखा है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दे रहा हूँ जिसका नाम है हैव यू एवर सीन, क्या कभी आपने देखा है। बहुत मजाकिया चैप्टर है ये और मजाक मजाक में ही आप इसको पढ़िए और पूरा भरोसा है मजाक मजाक में समझ जाएंगे। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको और कोई भी चैप्टर चाहिए हो, आप लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए, आप पढ़ते रहिए। अगर कोई भी चैप्टर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो चैप्टर देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। टाइटल है हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है। अब देखिए स्टैंजा पढ़िए। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन ए रिवर बेड और अ सिंगल हेयर फ्रॉम ए हैमर्स हेड, हैज द फुट ऑफ ए माउंटेन एनी टोस, एंड इज देयर ए पेयर ऑफ गार्डन हॉर्स। देखिए मैं आपको वर्ड मीनिंग बता दूं। पहले जो पोएम के जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो प्रोज की ही तरह होते हैं, लेकिन सेंस उनका पूरा बदला हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बेड, बेड का मतलब यहाँ पर है एक प्रकार का फर्नीचर, और ऑब्वियसली बेड आप सब लोग समझते हैं जिस पे हम लोग लेटते भी हैं, लेकिन यहाँ पर बेड का मतलब है नदी का तल, जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द रिवर। हेड, हेड का मतलब इंसान का सर, लेकिन यहाँ पर हेड का मतलब है सिरा यानी टॉप। और फुट, फुट का मतलब पैर, ऑब्वियसली इंसान का पैर, लेकिन इन लाइंस में फुट का मतलब है पहाड़ का सबसे नीचे वाला हिस्सा। और होश का मतलब होता है बहुत ही मुलायम पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप आप उसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होश का मतलब है सॉक्स, एक जोड़ा सॉक्स का। अब मतलब देखिए, हैव यू एवर सीन ए शीट ऑन ए रिवर बेड, क्या आपने कभी भी जमीन पर जिस पर नदी बह रही है, क्या आपने कभी उस पर चादर बिछी हुई देखी है। एक ये जोक ही है, मजाक टाइप में है। आगे कहते हैं और ए सिंगल हेयर From a hammer's head, देखिए हेड का मतलब यहाँ पर सर नहीं है, मैंने बताया ना टॉप, जो हैमर्स का सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला। तो कहता है राइटर यहाँ पर, क्या आपने कभी हैमर्स के सर के ऊपर कभी बाल उगे हुए देखे हैं। थर्ड लाइन, हैज द फुट ऑफ ए माउंटेन एनी टोस, और टोस का मतलब सिरा, राइट। तो आप मुझे पहले एक चीज़ ये सोचिए, क्या किसी माउंटेन के पैर होते हैं, नहीं होते ना, लेकिन राइटर यहाँ पर कह रहा है द फुट ऑफ ए माउंटेन एंड टोज, क्या आपने कभी भी किसी भी पहाड़ के पैरों में उंगलियाँ देखी हैं, नहीं सबसे नीचे वाले हिस्से में उंगलियाँ देखी हैं। एंड और इज देयर ए पेयर ऑफ गार्डन होज, क्या आपने कभी भी किसी भी गार्डन के पैरों में मोजे देखे हैं, क्या कभी आपने देखा कि वो मोजे पहने हुए हैं। तो ये एक मजाक है। चलिए अगली चार लाइन देखते हैं। डज द नीडल एवर विंक इट्स आईज, व्हाई डजंट द विंग ऑफ ए बिल्डिंग फ्लाई, कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ ए
पास सोल और ओपन द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट ऑल। देखिए आई का मतलब डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, आई का मतलब आँख होती है जो हम लोगों में होती है, लेकिन यहाँ पर विंक इट्स आई, यहाँ पर आई का मतलब छेद होता है, सुई का छेद जिसमें हम तागा डालते हैं। और विंग WING विंग का मतलब होता है पर, जो चिड़िया के जो होते हैं उसको आप कहते कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी, ये बर्ड्स की चिड़िया के शरीर का एक हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं है, पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग है, यानी इमारत का हिस्सा, बिल्डिंग का हिस्सा है। और फिर देखिए कैन यू टिकल द रिब्स, टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना, जैसे किसी की गुदगुदी करते ना। रिब्स का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, रिब्स पसली जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रिब्स का मतलब है छाता जब हम खोलते हैं ना तो वो जो घुमाव जो होता है उसको कहते हैं रिब्स यहाँ पर। और ट्रंक्स का मतलब होता है धड़, जो हमारा धड़ होता है, या पेड़ का तना भी कह सकते हो आप, जो मोटे मोटे तने होते हैं उसको ट्रंक कहते हैं, मोटे तने को ट्रंक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रंक का मतलब होता है कार का हिस्सा, राइट। और WING के विंक देखिए रह गया इसमें, विंक जो होता है WING के, यहाँ विंक का मतलब होता है झपकाना, आँख का झपकाना। और टिकल का मतलब गुदगुदाना। और पैरासोल जो होता है, पैरासोल इट इज़ जस्ट लाइक अम्ब्रेला, यानी छाते को पैरासोल कहते हैं। अब देखिए मतलब, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, क्या आपने कभी भी सुई को आँख झपकाते हुए देखा है, पलक मारते हुए देखा है? वाई डजंट द विंग ऑफ ए बिल्डिंग फ्लाई, अब देखिए क्वेश्चन है, वाई डजंट द विंग ऑफ ए बिल्डिंग फ्लाई, बिल्डिंग जो है उसके पर नहीं होते हैं, वो क्यों नहीं उड़ पाती है, ये सवाल कर रहा है कि डजंट विंग ऑफ ए बिल्डिंग फ्लाई, कि बिल्डिंग के पर क्यों नहीं होते हैं, वो क्यों नहीं उड़ पाती है। कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ ए पैरासोल, ये थोड़ा देखिए, टिकल मीन्स गुदगुदाना, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ ए पैरासोल, जब हम अम्ब्रेला को खोलते हैं तो अक्सर क्या होता है, आप देखिए अगर आप किसी को गुदगुदी करें ना तो वो हिलता है, कूदता है, बहुत कूदता है। तो ऐसे ही यहाँ पर पैरासोल को क्या आप गुदगुदी करते हैं जब उसको खोलते हैं, तो वो यहाँ पर सेंस लेके आ रहा है राइटर, क्या आप पैरासोल को गुदगुदाते हैं जब वो खुलता है। और ओपन द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट ऑल, क्या आप किसी भी ट्री यानी पेड़ के धड़ को ओपन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थी आपकी चार लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर द टीथ ऑफ ए रैक एवर गोइंग टू बाइट, हैव द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क। देखिए टीथ का मतलब होता है दांत, दांत दांत दो तरह के होते हैं, एक टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और एक दांत दांत वो होते हैं जैसे जो आरी वगैरह जो हम काटते हैं वो होते हैं। और हैंड्स का मतलब होता है हाथ, और जो घड़ी की सुइयां होती हैं उसको भी हम हैंड कह सकते हैं। और प्लॉट का मतलब होता है ज़मीन का छोटा हिस्सा, लेकिन यहाँ पर प्लॉट ऑफ स्टोरी जो लिखा है वो कहानी की साजिश, यानी एक साजिश है। और बार्क का मतलब होता है जो कुत्ते वगैरह जो भौंकते हैं उसको कहते हैं बार्क। और हार्ड कवर ऑफ ट्री, लेकिन यहाँ पर बार का मतलब है कठोर हिस्सा जो पेड़ का होता है। अब देखिए कहते हैं आर द टीथ ऑफ ए रैक,
ओवर गोइंग टू बाइट टीथ ऑफ ए रैक। क्या कभी भी आड़े टेढ़े जो दांत होते हैं आरी वगैरह के, क्या वो हमें काटते हैं? हैव द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? तो जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं जिसको हम हैंड्स ऑफ क्लॉक कहते हैं, क्या वो सुइयां जो हैं वो खुद ब खुद इधर उधर चलती हैं? कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? क्या देखिए, हम लोग जब कोई प्लानिंग करते हैं तो एक जगह बैठते हैं और बैठने के बाद प्लानिंग करते हैं कि उसको इतना इनाम देना है या उसको टॉर्चर करना है या उसको भगाना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ कह रहा है, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, कि जब गार्डन के अंदर अंधेरा होता है तो क्या गार्डन प्लानिंग करता है कि हमें क्या करना है? एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ द प्रिच बार्क? और आगे कहते हैं कि यहाँ पर जो बार्क ब्रिज ऑफ बार्क यानी छाल जो होती है पेड़ की, क्या जब हम उसको छीलते हैं या काटते हैं तो क्या वो आवाज़ करती है? तो ये था चार लाइन आपके लिए और यहाँ पर ये आपका लेसन ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा सा लेसन है। अगर इसके क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आपने पहले लेसन को सराहा था, आप लोगों ने पढ़ा, मैं चाहूँगा आप इसको पढ़ते रहिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।